ज्योतिष शास्त्र में वास्तु का बहुत ही महत्व होता है। इसके अनुसार हर दिशा का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। अगर जन्म की तारीख को ध्यान में रखकर उसे संबंधित दिशा में वास्तु की चीज रखी जाए तो इससे कई लाभ होते हैं। इससे न सिर्फ आपकी किस्मत चमक सकती है बल्कि धन लाभ भी होगा। मूलांक जानने के लिए आपको अपनी जन्म तारीख को सिंगल डिजिट में निकालना होगा, यानी अगर आपकी जन्म तारीख 12 है तो आपका मूलांक होगा 1+2=3। वहीं यदि आपकी जन्म तारीख 29 है तो आपका मूलांक होगा 2+9=11। रिजल्ट दो अंकों में आने पर इन दोनों अंकों को फिर से आपस में जोड़ दें, 1+1=2। जी हाँ, मूलांक एक वालों की शुभ दिशा पूर्व है। इस अंक वाले व्यक्ति को पूर्व दिशा में बांसुरी रखनी चाहिए। वहीं मूलांक दो वाले लोगों को उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद रंग का कोई सो पेस रखना चाहिए। वहीं बात करें तीसरे मूलांक की, इन लोगों को उत्तर पूर्व दिशा में रुद्राक्ष रखना शुभ होगा। ऐसा करने से आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। वहीं बात करते हैं अगले मूलांक की, यानी चार नंबर के मूलांक वाले लोगों को दक्षिण पश्चिम दिशा में कांच की कोई वस्तु रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। वहीं जिसका मूलांक 5 हो वो अपने घर के उत्तर दिशा में लक्ष्मी या कुबेर जी की मूर्ति लगाए। साथ ही जिन लोगों का मूलांक 6 हो वे दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख अवश्य रखें। वहीं जिनका मूलांक 7 है वे उत्तर पूर्व दिशा में रुद्राक्ष रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वहीं जिन लोगों का मूलांक 8 हो वे अपने घर की पश्चिम दिशा में काले रंग का क्रिस्टल अवश्य रखें। वहीं बात करते हैं आखिरी मूलांक यानी 9। 9 मूलांक वाले लोग अपने घर के दक्षिण दिशा में पिरामिड रखें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा खुशहाली बरकरार रहेगी, साथ ही कोई भी नकारात्मक प्रभाव असर नहीं करेगा। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।